गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रजनी ब्लॉगर में। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई हूँ 4:30 बजे, क्योंकि रात मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो सिर की मालिश करी थी मैंने। और उसके बाद मुझे ऐसी नींद पड़ी कि सुबह, मतलब जल्दी सो गई थी, ऐसी नींद पड़ी कि फिर सुबह आराम से जल्दी ही नींद भी खुल गई। क्योंकि कहते हैं ना, रात को अगर जल्दी सो जाओ तो सुबह मॉर्निंग में टाइम से नींद खुली ही जाती है, चाहे कुछ भी कर लो। तो वैसे हम सबको सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत भी बनानी चाहिए, पर 4:30 बजे तो वैसे मैं बहुत ही कम उठती हूँ, ना के बराबर ही है। वैसे मैं सिर्फ 5-5:30 बजे उठ ही जाती हूँ। तो आज मेरी नींद जल्दी खुल गई थी, तो बस उठ गई मैं। फिर बेकार में मैंने सोचा बिस्तर में क्या लेटे रहना, अपना उठ के अपने कामों को करती हूँ। तो फटाफट से मैंने एक गिलास गर्म पानी पिया, और उसके बाद अपना फ्रेशनर कोलगेट ब्रश करके हाथ मुंह धो धा के आई हूँ सीधा किचन में। और वैसे तो किचन में आने से पहले मैं अपने रूम में देखती हूँ, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ तो सबसे पहले अपने घर की खिड़कियाँ दरवाजे खोल देती हूँ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग की जो एयर होती है ना, वो घर के अंदर आ जाए ना, तो जो दूषित प्रदूषण घर का होता है ना, घर का माहौल जो होता है, वो रात भर नकारात्मक ऊर्जा फैला देता है। तो इसलिए सुबह की जो हवाएं होती हैं वो अंदर आ जाएं, तो वो सब नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर चली जाती हैं। तो बस इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने खिड़की दरवाजे ज़रूर खोल देती हूँ, उसके बाद ही अपने काम पे लगती हूँ। तो बस उसके बाद सीधा किचन में आई हूँ, और ब्रेकफास्ट में आज बनाना है मुझे शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो बस शिमला मिर्च मैंने रात को ही काट के तैयार रख दी थी, और आलू, 2 आलू बॉईल करके रख देते। शिमला मिर्च में आलू बॉईल करके डालो ना, तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो बस मैंने आलू बॉईल रात को ही करके रख दिए थे, और उसके बाद मैंने इन सब्जियों को काट के फ्रिज में लगा दिया था। तो सुबह होते ही शिमला मिर्च फिर से मैंने धोई है, क्योंकि फ्रिज में खुला ही रखा हुआ था, मैंने इसको ढक्कन नहीं रखा था इसके ऊपर। तो इसलिए जब रात भर मैं सब्जियों को काट के रखती हूँ ना, सुबह मॉर्निंग में ज़रूर धोती हूँ। तो चलिए, उसके बाद फटाफट से प्याज काटा है मैंने, और इसे छोटी छोटी चॉप कर दी है। तो बस प्याज काटने के बाद अच्छे से उसको भूना है, फिर उसमें टमाटर डाला है, और जितने मसाले होते हैं वो सब ऐड कर दिए हैं, और उनको अच्छे से भून दिया है। मसालों को अच्छे से भुना रहता है तो सब्ज़ी अच्छी ही बनती है। तो बस यहाँ पे उसके बाद शिमला मिर्च डाल दी थी, और शिमला मिर्च को भी एक बार अच्छे से सब मिक्स कर दिया है, और जो उसके बाद आलू बॉयल किए हुए थे वो भी मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी का कलर कितना सुंदर आ रहा है। तो बस इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, सिर्फ हमें शिमला मिर्च पकाना है, क्योंकि आलू हमने बॉयल वाले ही डाले हुए हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जी में रख दिया है ढक्कन, और उसके बाद ध्रुव भी उड़ गया था, स्कूल जाना था उसने, तो उसने कहा मम्मी मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी नहीं खाऊंगा। तो बस जब बच्चे ऐसे नखरे करते ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर भी स्कूल भेजना है तो खाली पेट नहीं भेज सकते हैं, और लंच भी भेजना ज़रूरी है। तो फटाफट से मैंने रावत जी से ब्रेड मंगवाई, और वो ब्रेड ले आए थे, तो बस यहाँ पे मेरे पास पीनट बटर था, तो मैंने फटाफट से ब्रेड में पीनट बटर लगाया, और स्कूल के लिए भी और उसके खाने के लिए भी सब बना के रेडी कर दिया था। क्योंकि जो माँ होती है वो अपने बच्चों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहती हैं, कि वो अपने बच्चों को ना तो भूखा सुलाती है और ना ही भूखा कहीं भेज सकती हैं। तो बस इसलिए माँ के बराबर बच्चों को प्यार कोई नहीं दे सकता है। तो बस इसलिए बच्चे बड़े हों या छोटे, माँ की ममता हमेशा बच्चों के लिए उतनी ही रहती है, और ना ही बच्चों माँ के लिए बड़े होते हैं, छोटे ही रहते हैं हमेशा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ब्रेड टोस्ट कर दी है, और अच्छे से, मतलब उसके खाने के लिए कर दी थी पहले, और फिर मैंने उसके लिए स्कूल के लिए भी टोस्ट करने के लिए लगा दी थी। उसके बीच बीच में बार बार बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो फटाफट हमेशा सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी लेट हो जाएगी ना, तो बस निकलने का डर रहता है। तो बस इसलिए उस टाइम पर जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं, बच्चों को तैयार करने के लिए उनके कपड़े भी सारे प्रेस व्रेस करके रखने पड़ते हैं। जब तक वो अपना कोलगेट ब्रश करता है, मैं साथ ही साथ कपड़े भी प्रेस कर देती हूँ, और उसके लंच भी पैक करके रख देती हूँ। वैसे तो कहते हैं कि बच्चे बड़े हो जाते तो अपना आप अपने काम करने लगते हैं, हाँ ऐसा बहुत कम होता है, बच्चे करते तो हैं पर जब माँ के साथ रहते हैं तो थोड़ा लापरवाह हो ही जाते हैं बच्चे, इसलिए वो सब काम मम्मी में छोड़ देते हैं। तो
बस यहाँ पे फटाफट से उसको लंच भी दे दिया था मैंने और उसको ब्रेकफास्ट भी करवा दिया था। उसके बाद वो स्कूल चला गया है और उसके बाद रावत जी भी आ गए थे अपना टहल के। तो बस वो अपना टहल के आए तो थोड़ा देर बैठे थे, फ़ैन ऑन नहीं किया था क्योंकि जब वो टहल के आते हैं ना तो फ़ैन ऑफ कर देते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर उन्होंने फ़ोन देखा और उसके बाद चले गए हैं अपना फ्रेश नैप होने के लिए, क्योंकि ड्यूटी का कुछ पता नहीं है कब ड्यूटी आ जाए, तो इसलिए अपना वो हमेशा रेडी रहते हैं। तो बस यहाँ पे वो अपना जब तक अपना नहाने धोने के लिए जा रखे हैं तब तक मैं अपने घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सबसे पहले अपने बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे, बना लेंगे, क्योंकि घर में जो मेन पार्ट होता है वो बेड बेड ही होता है हमारा। अगर बेड साफ़ सुथरा ना हो तो पूरा घर ही बिखरा हुआ दिखता है। तो बस बेड को पहले मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, अगर चादर मुझे चेंज करनी होती है तब करती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ वही रहने देती हूँ। तो आज तो मुझे चादर चेंज नहीं करनी थी, वही रखनी थी, क्योंकि मैंने सोचा कल करूँगी, क्योंकि मैंने आज कपड़े वॉश नहीं करने थे क्योंकि कुणाल का कॉल आया था मेरे छोटे बेटे का, वो हॉस्टल में रहता है, तो बोल रहा था मम्मी मुझसे मिलने के लिए आना। तो बस वो रुद्रपुर में आ रखा है आजकल, तो मैंने सोचा उससे मिलने के लिए जाएंगे, तो इसलिए आज कपड़े नहीं धोऊंगी, कल आके सीधा कपड़े धोऊंगी, क्योंकि वहाँ से आऊँगी तो कुछ कपड़े उसके होंगे वो भी ले आऊँगी और साथ में ही सारे कपड़े एक साथ धोऊँगे। तो बस इसलिए आज मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, बस अपने घर को की अच्छे से आज क्लीनिंग करी है, क्योंकि जाना भी था तो फिर टाइम से खाना भी बनाना था। तो मैंने सोचा पहले घर की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, साफ़ सुथरा कर लूँगी, घर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, क्योंकि जब घर बिखरा रहता है ना और कहीं से आओ बिखरा घर दिखता है तो बिल्कुल भी घर में मतलब बैठने का मन नहीं करता है। तो इसलिए अपना कहीं जाना होता है तो अपने कामों को पहले अच्छे से कर लेती हूँ और अच्छे से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ साफ़ सुथरा, तभी कहीं जाती हूँ। तो बस यहाँ पे अपने टेबल को अच्छे से साफ़ कर दिया है, जितना सामान उसमें बिखरा पड़ा था उसको उनकी सही जगह पे रख दिया है। और काफ़ी दिन से मेरा फ़ैन में मतलब मिट्टी लगी हुई थी, धूल लगी हुई थी, तो मैंने सोचा ये धूल को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि हम लोगों के जो गांव में मकान होते हैं ना वो थोड़े मतलब हाइट में छोटे होते हैं, तो सीधा फ़ैन में नज़र जाती है, अगर फ़ैन गंदा हो तो बहुत ही गंदा दिखता है। तो इसलिए ये चीज़ तो हाउसवाइफ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमको घर की साफ़ सफ़ाई पूरे तरीके से अच्छे से करनी चाहिए, ताकि किसी के सामने हमको मतलब शर्मिंदगी महसूस ना हो। तो बस इसलिए अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखती हूँ, हर घर का कोना कोना चमका के रखती हूँ, ताकि मेरे घर में हमेशा सफाई बनी रहे। तो चलिए, मॉर्निंग में तो सबसे ज़्यादा काम यही रहता है कि घर को समेटने का, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है और कैसे समेटना है वो हमको अपने आप मैनेज करना पड़ता है। तो बस मैं तो अपने कामों को साथ ही साथ झाड़ू भी लगाऊंगी, तो घर की साफ़ सफाई क्लीनिंग भी करती रहती हूँ, तब जाके मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। और उससे पहले मैं पूरे घर को अच्छे से समेट लेती हूँ, बिखरे जो घर में बिखरा सामान रहता है उनको पहले समेट लूँगी, उसके बाद ही झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ, चाहे क्लीनिंग साथ ही साथ हो जाए झाड़ू की, पर घर को समेटने का काम सबसे पहले करना पड़ता है, तब जाके ही घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने जो मेरा कूलर है उसकी भी अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, तो चलिए यहाँ पे पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा ली है और अच्छे से क्लीनिंग भी कर ली है। तो चलिए, उसके बाद रावत जी आ गए थे नहा धो के और मम्मी पाठ पूजा करके भी आ गई थी, और फिर फटाफट से मैंने नाश्ता बनाया और सभी ने बैठ के नाश्ता किया। उसके बाद सब अपने अपने काम पे चले गए हैं, रावत जी की ड्यूटी भी आई गई थी जस्ट, तो बस उनके लिए पहले फटाफट से बना दिया था, उनको नाश्ता करवा के भेज दिया था। तो बस यहाँ पे सबने नाश्ता कर लिया है और अब मैं भी अपने किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो बस जब नाश्ता हो जाता है ना और उसके बाद जो फूड बचा होता है खाना, उसको मैं एक कटोरी में अलग से रख देती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि दिन में दाल चावल बनता है तो बस उसके काम आ जाती है ये सब्ज़ी, और अगर जब नहीं रहती है तो दाल चावल के साथ सब्ज़ी भी बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि दाल चावल सिंपल खाया नहीं जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सब्ज़ी भी चाहिए होता है और रायता भी। तो बस इसलिए सब्ज़ी तो अगर सुबह की बच जाती है तो वही काम आ जाती है, तो बस वो सब्ज़ी जो बची है वो मैंने फ्रिज में लगा दी है, और उसके बाद अपने किचन में जितना भी सामान फैला हुआ है उनको अच्छे से समेट लूँगी और उनको उनकी सही जगह पे रखूँगी। अगर किचन में काउंटर टॉप में सामान होगा ना तो किचन हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो जितना हो सके अपने काउंटर टॉप को ज़्यादा खाली ही रखें, ताकि किचन हमारी दिखने में अच्छी लगे।
तो बस यहाँ पे मैंने जो टाइल्स है किचन की वो अच्छे से साफ़ करी है, जहाँ पे खाना बनता है गैस के सामने, और उसके बाद अपनी गैस को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और गैस के नीचे भी खासकर ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर कोई भी खाना गैस के नीचे गिरा होता है ना, तो कीड़े मकोड़े हो या फिर चींटी हो, वो बहुत जल्दी लग जाती है और आ जाते हैं, क्योंकि किचन ऐसी जगह होती है जहाँ हमारे किचन में फूड रहता है, खाना रहता है, जिससे चींटियाँ जल्दी आती हैं। तो इसलिए अपने किचन में जो भी जगह है साफ़ करने वाली, उनको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, ताकि किचन में चींटियाँ या फिर कीड़े बिल्कुल भी ना आ सके। तो बस इसलिए अपने किचन को साफ़ सुथरा रखती हूँ, पूरी किचन को। तो बस यहाँ पे अपने काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ सुथरा और चमका दिया है। तो चलिए जो कंडी में बर्तन हैं पहले उनको स्टैंड में लगा लेते हैं, जो मॉर्निंग के जूठे बर्तन हैं उनको तब धोएंगे। अगर पहले ही धोने लग जाऊंगी तो बर्तन रखने की दिक्कत भी हो जाएगी, और जो रात के धुले बर्तन हैं वो गीले हो जाएंगे। तो बस इसलिए पहले बर्तन स्टैंड से खाली कर देती हूँ, उसके बाद ही बर्तन धोना स्टार्ट करती हूँ। तो बस यहाँ पे बर्तन धो दिए हैं और अपनी किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। तो बस इसी तरीके से अपने पूरे घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।